क्या आपने कभी पिसाचों या वैम्पायर्स के बारे में सुना है? हो सकता है कि आपने ट्विलाइट, नोस्फेरातू या ट्रू ब्लड जैसी फिल्में देखी हों, या ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला पढ़ी हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिशाच की इन कहानियों के पीछे असली इंस्पिरेशन कौन था? आज की दुनिया में वैम्पायर आमतौर पर रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्रैम की फेमस डरावनी नॉवल द ड्रैकुला के थ्रू। लेकिन कुछ अलग वैम्पायर कहानियां भी हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक यूरोपीय देश क्रोशिया से आती है। एक बार जियोर्ग रेंडो नाम का एक आदमी रहा करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह दुनिया का पहला वास्तविक जीवन वाला वैम्पायर था। यूरोपीय लोक कथाओं में पिशाच मृत थे, लेकिन ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे जीवित हों। वे आमतौर पर अपने प्रियजनों से मिलने जाते थे, और जिस जगह वो मौत होने से पहले रहते थे उस जगह पर लोगों के साथ कई शरारती किया करते थे। वैम्पायर की ओरिजिन के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। जियोर्ग रेंडो पहले वास्तविक व्यक्ति थे जिन्हें विभिन्न शक्तियों के साथ एक सच्चे पिशाच के रूप में वर्णित किया गया था। वह 17वीं शताब्दी के दौरान एक छोटे से स्त्रियन गांव क्रिंगा में रहते थे। उनकी कहानी का सबसे पहले जोहान विचर्ड वल्वासोर, एक स्लोवेनियन ट्रैवलर, राइटर और हिस्टोरियन ने अपनी बुक द ग्लोरी ऑफ द डची ऑफ क्रेन में बताया था। उनकी मृत्यु के बाद फादर जियोर्जो नाम के एक प्रीस्ट द्वारा जियोर्ग रेंडो के शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इसके बाद असली वैम्पायर की कहानी शुरू हुई। उनके निधन के कुछ समय बाद यह बताया गया था कि जियोर्ग रेंडो गांव में भटक रहे थे और कुछ घरों के दरवाजे भी खटखटा रहे थे। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर वह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद आपके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद विलेज में रहने वालों का मानना था कि जियोर्ग रेंडो एक श्रीगोय बन गया था। श्रीगोय का मतलब एक ऐसा प्राणी जो मृतकों की भूमि के पार से आया हो। कुछ का यह भी मानना था कि यह महिलाओं को अपने वश में कर लेते हैं और फिर बाद में उनकी बुरी तरह से हत्या कर देते हैं। यह सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। इतने वर्षों की परेशानियों के बाद गांव वालों ने 9 आदमियों का एक समूह बनाकर उसकी कब्र तक जाने का फैसला किया। जब जियोर्ग रेंडो की पुरानी कब्र को खोला गया तो उन सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि ग्रैंडो का शरीर बिल्कुल भी सड़ा नहीं था। वो अपनी कब्र में ऐसे लेटा हो मानो कि सो रहा हो। न केवल उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बल्कि वह कान से कान तक मुस्कुरा भी रहा था। ग्रुप बहुत ज़्यादा डर गया था और वापस गांव की ओर भाग गया। किसी तरह गांव के सरपंच ने ग्रुप को फिर से एक साथ बुलाया और फिर से कब्र खोलने का ऑर्डर दिया। इस बार ग्रुप के साथ चर्च का पादरी भी गया था। पादरी ने क्रॉस को अपने हाथ में रखते हुए अपनी होली बुक से कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, और मंत्रों को पढ़ते पढ़ते पादरी ने क्रॉस से ग्रैंडो का सिर काट दिया। सर को धड़ से अलग करने के बाद पूरी कब्र खून से भर गई, जैसे कि ग्रैंडो कभी मरा ही नहीं था। ग्रुप ने कब्र को फिर से कीलों और जंजीरों से बंद कर दिया और वो क्रॉस कब्र के ऊपर रख दिया। सर को ले जाकर गांव वालों ने किसी सीक्रेट जगह पर दफना दिया ताकि सर धड़ से मिल ना पाए। इस सब घटना के बाद ग्रैंडो, या फिर आप कह सकते हैं वो वैम्पायर, कभी गांव में लौट कर नहीं आया। कई सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी लोग इस डरावनी घटना को याद करते हैं। आज भी इस शहर में कई जगह वैम्पायर की छवियां बरकरार हैं। शहर में टूरिस्ट आज भी दूर दूर से आते हैं और उस जगह में घूमने का लुत्फ उठाते हैं जहां किसी ज़माने में वैम्पायर घूमा करता था। कहते हैं अगर कोई गलती से उस सर को धड़ से मिला दे तो फिर से वो वैम्पायर अपनी नींद से जाग जाएगा और फिर से मौतों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह भी माना जाता है कि गांव वालों को उस दफन सर का राज अभी भी पता है, लेकिन वो उस राज को राज ही रखना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रियल हॉरर स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।